इत तक उन्होंने शख्सियत का तलक है। छिंदा जी बहुत बुलंद आवाज के मालिक सन, तो उन्होंने चले जाना पंजाबी जगत में, पंजाबी संगीत जगत में, लोक गायकी में बहुत बड़ा घाटा पाया। बहुत दुख भरी खबर है, हृदय में खबर है। पंजाब का एक वो कलाकार जिन्हों पंजाब के लोग मनों प्यार करते सी, दिलों प्यार करते सी, जिन्हों सुनने वास्ते हज़ारा लोग इकट्ठे हो जाते सन, जिन्हों सुनने वास्ते लोग मतलब एक दूजे को चुप करा के पिन ड्रॉप साइलेंस जिन्हों कहने हैं वो सुन फिर सुनते सन और मंत्रमुग्ध होते सन। वह शख्सियत वो लोग गायक सातु परमात्मा ने खोलिया, बहुत बड़े दुख की गल हैगी है। जिथे तक उन्होंने शख्सियत का तलक है, छिंदा जी बहुत बुलंद आवाज के मालिक सन, बहुत बुलंद आवाज के। जिते उन्होंने दुगाने गाए ने उत्थे उन्होंने सोलो गीत बहुत अच्छे गाए ने। जीवना मौड़ एक उन्होंने रिकॉर्ड कराया LP, वो इन्ना पॉपुलर होया, इन्ना पॉपुलर होया भी लोग छिंदे नूं जीवना मौड़ ही कहन लग गए, क्योंकि हर घर च बजिया वो, हर कोठे ते बजिया वो। तो उन्हां दा चले जाना पंजाबी जगत नूं, पंजाबी संगीत जगत नूं, लोक गायकी नूं बहुत बड़ा घाटा पिया। कोई सर है आपको उनकी, जो उन्होंने आपके साथ काम किया है, कोई यादगार आपके सामने? असी एक दो फिल्मों इकट्ठिया ने काम किया और वो कलाकार भी बहुत अच्छे सन। एक शायद पुत जट्टा दे फिल्म सी, एक जीवना मोड़ सी, असी दो फिल्मों काम किया। तो उहदे विच काम करन दा ये हुंदा भी हर बंदा अपना रोल निभाउंदा है जी। तो मैं जिस किस्म दे उन्होंने रोल मिले, और जदों असी इकट्ठे हुंदे सीगे तो वो मेरे छोटे भरावां वर्गा सीगा है जी। तो बहुत मेरा माण भी करता सी, इज्जत करता सी, मैं भी उन्होंने बहुत प्यार करता सीगा। बस हुण की दसीए, यादा तो इन रह गई भी हाँ असी इकट्ठा ने काम किया। स्टेज की जिहड़ी गल हुंदी है वह हुंदी है भी जे किसी स्टेज पर इकट्ठे हुए भी हैं है जी, तो उहदे विच एक कलाकार पहला प्रोग्राम कर लैंदा, दूजा बाद कर लैंदा, इस करके गलबात उत्थे कोई हुंदी नहीं है, है जी। तो सिर्फ प्रोग्राम ही हुंदा, गीत संगीत का प्रोग्राम हुंदा, तो इस करके कितने गलबात नहीं हुई। लेकिन करे कई बार वह भी गए ने, वह भी आए ने, मैं भी गया। मैनू बहुत अफसोस नाल कहना पैंदा भी जून दे ही कोई 10 या 11 तरीक नू है जी, वह तो मैं असी दोनों इकट्ठे सीगे, असी शाम का खाना वगैरह इकट्ठा खाधा। एक उन्होंने बहुत अच्छा गीत रिकॉर्ड कराया किसी लड़की के नाल, मैं उस लड़की का नाम नहीं जानता, मैंने जो सुनाया उन्होंने अपने मोबाइल से तो मैं बहुत अच्छा लग्या। मैं मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि मैं उन्होंने कह नहीं दिता भी यह गीत मैंने भेज दियो, लेकिन सुन के आनंद बहुत आया। तो उस तो मगरों मैं फॉरन कंट्री चले गया, मेरी अपनी बेटी मिलने वास्ते, अपनी भैन को मिलने वास्ते। तो वह पिछों बीमार हो गए और मेरा ख्याल है 21 या 22 जून में वो हॉस्पिटल दाखिल हो गए, तो मैं वापस भी जुलाई में आया है जी, क्योंकि मैं कई जगह जाना सीगा, मैं इस गल का पता नहीं सी। मैं पता सिर्फ 17-18 जुलाई में लग्या जदों एक न्यूज़ ऐसी आई भी छिंदा जी बहुत ज़्यादा बीमार ने। मैं उस वेले अमेरिका दे विच सीगा जी, मैं तो उत्थे भी लोगों नूं बेनती कीती सी भी दुआ करो, अरदास करो परमात्मा अगे भी ये बहुत बड़ा कलाकार जिस तों हाले होर बहुत संभावनावां ने, वो कलाकार दी जिंदगी लंबी होवे ताकि वह पंजाबी गीतां दे नाल पंजाबियां दी लोगों की होर सेवा कर सके, संगीत जगत दे विच वो होर अपना नाम खट सके। कितना घाटा सर पंजाबी इंडस्ट्री को अगर बात करें? बहुत ज़्यादा घाटा पिया जी, क्योंकि जिहड़े पुराने कलाकार ने उन्होंने पुराने कल्चर नू, पुरानी सभ्यता नू, पुराने लोक गीतां नू बहुत संभाल के रखा हैगा। नवें कलाकारां दी गल है, क्योंकि हुण स्रोते इस किस्म के हो गए ने, वह नवीं गल सुनते नहीं है, वह नवीं गल नहीं सुनते जी कोई अजकल वापरती है। तो जो पुराने कलाकार है तो उन्होंने जो कुछ पुराना गाया उन्होंने लोग गीत, लोग गाथावं, लोग किस्से, ये सारा कुछ गा के उन्होंने एक भंडार भरिया पुराने कल्चर का, पुरानी सभ्यता का। तो मैं समझदा उन्होंने जाना पुराने कल्चर में बहुत ज़्यादा घाटा पिया।